हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कैसे हम ट्रांजिएंट एनालिसिस की जो इक्वेशन होती है वोल्टेज करंट की, वो कैसे फाइंड करते हैं सर्किट में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम जो इंडक्टर रेजिस्टर कैपेसिटर है उनके मॉडल देखने होंगे, टाइम डोमेन से लाप्लास डोमेन में कैसे जाते हैं। तो ये देखो कैसे करते हैं, इसके लिए पहले रजिस्टर से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन है हमारा रजिस्टर, इसको देखो रजिस्टर वो इसका ड्रॉ करते हैं। मैं लेफ्ट साइड में टाइम डोमेन बनाऊंगा, राइट साइड में उसका लाप्लास डोमेन। तो इंडक्टर जो होता है वो किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, सॉरी रजिस्टर जो होता है इस तरह से होता है। मान लिया आर ओम का, वो उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो मैंने कह दी आई, चलो आई आर ऑफ टी है, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उस टाइम पे वी आर ऑफ टी है, ठीक है। तो इसका ये टाइम डोमेन, तो इसका जब मैं बनाने जाऊंगा वो किस टाइप से देखेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं पढ़ा चुका हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, उसके प्लेलिस्ट में आप जाके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा इसको, अभी नहीं पढ़ाया, सिग्नल सिस्टम में मैं पढ़ा चुका हूँ फिलहाल। तो जो सिग्नल सिस्टम में वही सब यहाँ पे यूज होगा। देखो कैसे अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसका मैं ड्रॉ करता हूँ। आर का तो आर ही रहेगा, ठीक है। जो टाइम डोमेन है वो किस में चेंज हो जाता है, एस डोमेन में। तो यहाँ पर आई आर कैपिटल आई, मैंने कहते हैं कैपिटल आई आर एस में चेंज हो गया, ठीक है। ये इसका क्या है, लाप्लास डोमेन। और इसका ये क्या हो जाएगा वोल्टेज का, वी आर ओ एस, ठीक है। यही मॉडल यूज करेंगे जब हमारा ये सर्किट के अंदर आएगा, ठीक है। ऐसा रजिस्टर लगा होगा ना, उसमें अगर कोई करंट दे रखी है तो उसका आई आर ऑफ एस हो जाएगा। वहां पर करंट का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यह टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे चला जाएगा वो, ठीक है। ये था रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर के बारे में कुछ ज्यादा करना है नहीं। इंडक्टर और कैपेसिटर काफी इंपॉर्टेंट है, पहले हम देखेंगे। देखो इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या होता था, दो केस हमने पढ़े थे जब टाइम डोमेन पढ़ा था। एक तो जब उस पर पहले पहले से कोई करंट ना हो, एक हो इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, पहले उसके पास पहले से कोई करंट ना हो या उसके पास पहले से करंट हो, तो दो केस होते थे इंडक्टर के। ऐसे कैपेसिटर में क्या होता था, वोल्टेज देखते थे हम, पहले से वोल्टेज हो और पहले से वोल्टेज ना हो। तो एक एक करके हम एक एक के बारे में जानेंगे। अब देखो पहला केस नंबर वन हम पहले पढ़ेंगे, जब इंडक्टर के पास पहले से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है उसमें, तो इंडक्टर का हम बनाते हैं इसका मॉडल किस टाइप से दिखेगा। फिर ये हो गया हमारा इंडक्टर, इसकी वैल्यू है एल हेनरी, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, पहले से कोई करंट नहीं है, जो उसमें करंट फ्लो हो रही है मैंने कह दिया है वो आई एल ओ टी। और इसके जो एक्रॉस वोल्टेज है वो कितना कह दिया मैंने, वी एल ऑफ टी, ठीक है। इसके पास पहले से कोई नहीं है करंट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब बनाएंगे किस तरह से हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा, एल एस या एस एल, ठीक है, एस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पर आई एल ऑफ टी का हो जाएगा आई एल ऑफ एस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज चले जाएगा वो। और ये वोल्टेज किस में चले जाएगा, एस डोमेन में अगेन, ठीक है। देखो जब यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो ये होगा, जब उसके पास केस नंबर टू ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज्यादातर वही देखने को मिलता है, जब उसके पास पहले से करंट हो तब क्या होगा, ठीक है। अब उसका बनाते हैं जब पहले से उसके पास कोई करंट हो। तो जब इंडक्टर के पास पहले से इनिशियल करंट मैंने कह दिया आई नोट है, तब उसका जो होगा कैसे बनेगा वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखो उसके पास जो पहले ये एल इंडक्टर है, ठीक है, उसके पास जो पहले से करंट फ्लो हो रही है मैंने कह दिया वो, सो पहले जो उसका टी कस्ट टू 0- में करंट थी उस पर आई नोट थी, इसके अक्रॉस यहाँ पे ये वोल्टेज हो गया वी एल ऑफ टी, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी, आई एल ऑफ टी, ठीक है। अब इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है बनाना। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, अब यहाँ ध्यान से देखो,
स्टेप नंबर याद रखने का तरीका क्या, जब टाइम डोमेन में हम स्टेप टू ड्रॉ क्या करते थे, उसको ड्रॉ करो पहले, जब स्टेप टू हम इसको ड्रॉ करेंगे कैसे करते थे, वहां पे हम क्या करते थे, स्टेप टू में इंडक्टर को ओपन सर्किट कर देते थे, ठीक है यार, इंडक्टर को क्या करते थे, ओपन सर्किट, हम ये करते थे, इंडक्टर को करते थे ओपन सर्किट, क्या करते थे, क्या करते थे, और उसमें क्या कर देते, वो वाली करंट फ्लो कराते थे जो जीरो माइनस पर आती थी, यहाँ पे जीरो माइनस पर करंट कितनी है, ये कितने आ गए, यहाँ पे कितनी करंट है, ये आई नोट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहीं पे स्टेप ध्यान रखना, जब जीरो प्लस पे यहाँ पर सर्किट ड्रॉ करेंगे, इंडक्टर को ओपन सर्किट नहीं करना, एज इट उठा के यहाँ पे रख देना जहां पे था, ठीक है, जीरो माइनस पे, तो यहाँ पे सेम इसको उठा के रख देंगे यहीं पे, ठीक है। याद रखने का तरीका, जो टाइम डोमेन में जीरो प्लस पे क्या करते थे इंडक्टर के लिए, ठीक है, वही काम करना, लेकिन वहां पे इंडक्टर को हम हटा देते थे, ओपन सर्किट करते थे, यहाँ पे ओपन सर्किट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडक्टर एल का, अब देखो इसका क्या करते हैं, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, अभी तो ये कुछ नहीं लिया हमने इसका, ठीक है। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, बाहर से यहाँ पे इसके पास जो करंट आ रही है बाहर से, आई एल ऑफ टी है, इसका कितना हो जाएगा, आई एस ऑफ एस हो जाएगा, सॉरी आई एल ऑफ एस, आई एल ऑफ एस हो जाएगा, आई नोट का कितना हो जाएगा, आई नोट बाय एस, ठीक है। जैसे मैं कहूँ टू का क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर मैं टू का कहता हूँ तो टू का क्या हो जाएगा, टू बाई एस, ऐसे आई नोट एक कॉन्स्टेंट है ना, उसका कितना हो जाएगा, टू बाई एस, एल का कितना हो जाएगा, एल एस यानी एस एल, ठीक है। और आगे ये वोल्टेज, यहाँ पे ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक का वोल्टेज है, बिल्कुल बाहर से बाहर तक, ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, वी एल ऑफ एस। देखो ये सारे वोल्टेज कहाँ पर है, करंट कहाँ पर है, ये सभी ध्यान रखना, ठीक है। वो क्या पूछेगा, ये करंट निकलवाना पूछेगा, कभी कभी तुम इस वाली करंट को निकाल के आ जाओगे कि इंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है इस वाली को, ठीक है, जाके गलत हो जाएगा, यहाँ पे इस वाली करंट को मत निकालना अगर इंडक्टर करंट पूछिए इक्वेशन, ठीक है। इंडक्टर करंट मतलब जो शुरू से टोटल फ्लो हो रही थी, अगर पहले से कोई करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब वो उसमें पहले वाली करंट और जुड़ी आएगी, ठीक है। देखो कहीं भी कहीं क्या होता है, हम इस वाले मॉडल को भी यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं हम, सेकंड इसका हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट बना लेते हैं, मतलब इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लूंगा मैं कहीं कहीं पर जहां पे मुझे जरूरत होगी, तो इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी आसान है, कैसे करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वो मैंने बताई है। देखो यहाँ पर करंट आगे की तरफ जा रही है, जिस तरफ जा रही होती है करंट उस तरफ आता है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल आगे की तरफ आएगा, आगे की तरफ करंट जा रही है, ठीक है, बस ये याद रखना, जिस तरफ जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये हमने क्या किया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं करंट से वोल्टेज में, तो वोल्टेज की जो पोलरिटी इस तरह से आती है कि जिस तरफ करंट जा रही होती है उस तरफ उसका क्या आता है, पॉजिटिव टर्मिनल आता है, तो बस इस बाकी का ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा एस एल, इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ये एस एल क्या, ओमिक वैल्यू, तो वोल्टेज क्या होता है, करंट, करंट कितने, आई नोट बाय एस, रेजिस्टेंस कितना, एस एल, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लो, आई नोट बाय एस मल्टीप्लाई बाय एस एल, एस से एस कट का कितना होगा, आई नोट इंटू एल या एल आई नोट, तो इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल आई नोट, ठीक है। अब देखो और बाकी का जो आई एल ऑफ एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एल ऑफ एस, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, बाहर पूरा वोल्टेज वी एल ऑफ एस, ठीक है। देखो कोई सा भी हम यूज कर लेंगे, चाहे इस वाले को चाहे इससे, याद रखने का तरीका यही है, ज्यादातर हम तो इसी को याद रख पाएंगे, इसको हम तो हम याद नहीं रख सकते हमेशा हमें, क्योंकि अगर टाइम डोमेन से ही पता है, टाइम डोमेन में स्टेप टू क्या होता था, जो टी इक्वल्स टू जीरो प्लस पर क्या करते थे, इंडक्टर को ओपन करते थे, यहाँ पे नहीं करना, इंडक्टर को एज इट उठा कर रख देना जैसे करंट सोर्स के वहां पर, ठीक है, तो बाकी का फिर उसका सारा ट्रांसफॉर्मेशन ले लेना, ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना आता ही है। अब बनाएंगे कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर में क्या होता था, इनिशियल वोल्टेज होता है या और ना भी होता है, ठीक है, पहले हम देखेंगे जब उसके पास इनिशियल वोल्टेज नहीं होता है, ठीक है। अब देखो बनाना शुरू करते हैं, जब कैपेसिटर के पास शुरू में कोई इनिशियल वोल्टेज नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज से मतलब और इंडक्टर को करंट से मतलब होता है, तो यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं पहले टाइम डोमेन में, मान लिया इसका जो कैपेसिटेंस है वो सी है,
इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो IC ऑफ T है, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना, VC ऑफ T, ठीक है। इसके पास इनिशियल कोई वोल्टेज नहीं है, तो इसका जब मैं करूँगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ मैं, कैसे बन जाएगा, सी का होता है 1/CS हो जाता, कितना हो जाएगा ये 1/CS या SC जो भी लिखो, ठीक है। देखो इंडक्टर में SL होता है, इसमें 1/SC हो जाता, करंट कितना हो जाएगा IC ऑफ S, और वोल्टेज कितना हो जाएगा VC ऑफ S, ठीक है, जब उसके पास कोई वोल्टेज नहीं है। ये तो काफी आसान है। अब देखते हैं दूसरा केस, जब उसके पास कोई वोल्टेज हो पहले से, जब कैपेसिटर के पास पहले से कोई वोल्टेज मैंने कहते हैं वी नॉट हो, तो इसको बस ड्रॉ करते हैं, देखो कैसा होगा। ये कैपेसिटर हो गया, सी इसका कैपेसिटेंस है, इसके पास पहले से जो वोल्टेज है वो कितना, वी नॉट, ठीक है, और इसके पास जो वैसा वोल्टेज है वो कितना, वी सी ऑफ टी, और इसमें जो करंट आ रही है वो कितनी है, IC ऑफ टी, ठीक है। अब इसका बनाना हमें, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब बनाएंगे क्या कैसा दिखेगा, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वही ये सभी देखना मिलेगा हमें, ठीक है, फिर भी पढ़ना जरूरी है हर एक के बारे में। तो जब इसको बनाएंगे, स्टेप नंबर 2 याद करो क्या करते थे वहाँ पे, स्टेप 2 में क्या क्या करते थे, टाइम डोमेन में हम क्या करते थे, जो कैपेसिटर होता था उसको शॉर्ट कर देते थे, उसके साथ सीरीज में कौन आ जाता था, वही वोल्टेज आ जाता था जो हम टी कस्ट टू 0- पे, यानी हमारे पास इनिशियल वोल्टेज होता था। तो यहाँ पे भी ये करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब लाप्लास में हम जा रहे हैं तो क्या करेंगे, कैपेसिटर को हटाएंगे नहीं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते थे, शॉर्ट कर देते थे ना, इस बार नहीं करेंगे, लेकिन बाकी काम ऐसे ही करेंगे, उसके सीरीज में आ जाता था क्या, इनिशियल वोल्टेज विद द सेम पोलैरिटी, यहाँ पे क्या प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, यहाँ पे ये वी नॉट, ये अब इसका देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनाना शुरू करते हैं, वी नॉट का क्या हो जाएगा, वी नॉट बाय एस, ठीक है, और सी का क्या हो जाएगा, 1/SC, यहाँ पर ICT का कितना हो जाएगा, ICS, और ये वोल्टेज VCT किसके अक्रॉस है, सबके अक्रॉस है, VC ऑफ S, ठीक है। अब इसका क्या करते हो, कभी कभी हमें इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ जाती है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी बता देता हूँ, कहीं कहीं पर तुम्हें देखना हो मिलेगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं बनाऊँ किस टाइप का दिखेगा, देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बनाता हूँ मैं इसका बहुत क्लियरली, कैसे करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज करंट में आ जाएगा, और जब करंट में जाएगा तो इसका मतलब पैरेलल में, तो यहाँ पे तो ये तो रहेगा कैपेसिटर, ठीक है, यानी 1/SC, इसके जो पैरेलल में एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, ठीक है, ऊपर किधर, और इसकी पहले डायरेक्शन किधर होगी पहले ये डिसाइड करो, डायरेक्शन क्या डिसाइड करेंगे, देखो किसका वोल्टेज का साइन प्लस वाला किधर है, आगे की तरफ है, तो करंट किधर जाएगी, जिधर उसका प्लस वाला वोल्टेज होता है उसकी तरफ जाती है, तो प्लस आगे की तरफ है, तो प्लस इसका मतलब एरो डायरेक्शन क्या होगी, आगे की तरफ होगी, एज इट इज जैसे हमने उसमें चेंज किया था, ठीक है, वहां पे करंट से वोल्टेज इसमें चेंज किया था ऊपर वाले में, यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, जरूरत कोई से की पड़ सकती है, जरूरत के हिसाब से कर लेंगे, वैसे हमने ये काम पहले भी किए हुए हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, फिर भी यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज ये हो गया वी नॉट बाय एस, और रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस 1/SC, एस से एस कट गया और सी पहुंच गया ऊपर, यानी सी वी नोट, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सी वी नोट, ठीक है। और आप देखो बाकी का क्या बचा है, यहाँ पे ये मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे ये ICS अंदर की तरफ जा रहा था, ठीक है, और ये वोल्टेज किसके अक्रॉस था, पूरे इसके बाहर, ठीक है, यही सब पूछेगा, निकलवाएगा हमसे, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, बस ये मॉडल याद रखना, 0+ वाले, अगर 0+ वाले याद है दोनों के, बाकी का उनका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसा आता भी है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अगर नेटवर्क थ्योरी में यहाँ तक पहुंचे तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो जरूर आता होगा, ठीक है, बस यही सब करना,
दोनों के बस जीरो प्लस वाले वो याद रखने अपने वहां पर, अगर जीरो प्लस वाले याद रख, जीरो प्लस पर क्या करते थे एक बार फिर याद रखो, इंडक्टर में इंडक्टर को ओपन कर देते थे, उसके जीरो माइनस पे जो करंट आई होती थी उसको फ्लो कराते थे वहां पर। लेकिन जब हम लाप्लास यूज करेंगे तो क्या ऐसा क्या करेंगे, इंडक्टर को नहीं हटाएंगे वहीं पर लगा देंगे, ठीक है। और सेकेंड केस कैपेसिटर का, वहां पर क्या कर देते थे हम कैपेसिटर को शॉर्ट कर देते थे और उसके सीरीज में वही वोल्टेज आ जाता था जो हमारा जीरो प्लस जीरो माइनस पाया हुआ होता था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये उल्टा काम करेंगे, जो कैपेसिटर को हटाना था वहां से हटाएंगे नहीं बस, ठीक है, बाकी काम एज इट इज रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक समझ आया होगा। इस नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे हम इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये एक बार केस याद आएंगे तो फिर न्यूमेरिकल करने बहुत आसान रहेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग इन सबको अच्छे से कॉपी कर लेना, जब मैं वहां पे इसको कराऊंगा तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ।